आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फुटिंग। इसमें आते हैं प्लेन फुटिंग होता है फर्स्ट, सेकेंड होता है स्टेप फुटिंग, थर्ड होता है आइसोलेटेड स्ट्रिप और टेपर्ड फुटिंग, फोर्थ इज प्लेन कंबाइंड फुटिंग, फिफ्थ इज आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग, सिक्स्थ इज स्ट्रैप फुटिंग और नेवर फुटिंग और शू फुटिंग भी बोलते हैं इसको, सेवन्थ राफ्ट फुटिंग, एट्थ पाइल फुटिंग। अब इनका थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। प्लेन फुटिंग क्या होता है, दीज फुटिंग आर जनरली कॉमन इन बोथ इंडिया एज वेल एज गल्फ कंट्रीज। ये बहुत जनरली यूज़ होती है ये फुटिंग, इनको कंस्ट्रक्ट करना ईजी होता है एंड कंज्यूम लेस टाइम और टाइम भी लेस लगता है। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी नॉर्मल होती है इसको, मतलब गुड होती है सॉइल, SBC जिसको कहते हैं हम, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, और 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब इतनी होती है जब हम प्लेन फुटिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी, उस जो सॉइल पे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो होती 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ये देखिए प्लान और टॉप व्यू, आप जब प्लान में टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सिर्फ ये बीचों बीच फुटिंग दिखेगी आपको, बाकी ये फुटिंग ऐसा है, ये बीचों बीच कॉलम है, सी कॉलम है, ये देखिए ये कॉलम है और ये इसका फुटिंग है, ये प्रोस्पेक्टिव व्यू है या एलिवेशन भी कह सकते हो आप इसको। और ये सेक्शन, सेक्शन ड्राइंग, सबसे पहले ये PCC बेड आ गया हमारा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड, फिर इसके ऊपर फुटिंग और फिर उसके ऊपर कॉलम। कॉलम जो है नेक कॉलम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि जो भी कॉलम ग्राउंड लेवल के नीचे होगा वो नेक कॉलम होगा, ठीक है। सी यहाँ डिनोट कर रहा है कॉलम को और एफ फुटिंग को, ठीक है। अब स्टेप फुटिंग क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ फुटिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन ओल्डन डेज, ये पुराने समय में कंस्ट्रक्ट की जाती थी, नाउ दे आर आउटडेटेड, अब इतना कॉमनली यूज़ नहीं होती है। ये होती स्टेप फुटिंग, ये है, ये प्लान है, टॉप व्यू कह सकते हो आप इसको, ये स्टेप बाय स्टेप बनती है, पहला एक स्टेप ये होगा फिर ये बनेगा फिर ये बनेगा, देखिए ये प्रोस्पेक्टिव व्यू, पहले ये स्टेप बना ये वाला, फिर ये वाला बना, फिर ये PCC बेड है, फिर स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, ये नेक कॉलम है जो कि ग्राउंड लेवल के नीचे है, ये सेक्शन है हमारा, सेक्शन जब काट के दिखाएंगे तो। अब आइसोलेटेड टाइप्स फुटिंग क्या होती हैं, दिस टाइप ऑफ फुटिंग आर कंस्ट्रक्टेड फॉर सिंगल कॉलम एंड दे मे बी इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। ये फुटिंग जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है सिर्फ सिंगल कॉलम के लिए, जहाँ सिंगल कॉलम देना है हमको, और ये स्क्वायर शेप में भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है। ये देखिए ये प्लान है इसका और टॉप व्यू कह सकते हो आप इसको, ये सिर्फ एक कॉलम है, यहाँ एक कॉलम के लिए कंस्ट्रक्ट की जाती है ये आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेट मतलब सिंगल, आइसोलेट करना उसको, से यानी सेपरेट करना, ये 3D व्यू कह सकते हो आप इसको, और ये सेक्शन साइड व्यू ऐसा टेपर्ड रहेगा थोड़ा सा ये फुटिंग। अब नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट ये देखिए, ये दिखा रहा है हमको आइसोलेटेड फुटिंग का ड्राइंग, अब आता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है, अ फुटिंग विच हैज़ मोर देन वन कॉलम इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग, जिसमें एक कॉलम से ज़्यादा हो वो कहेगा कंबाइंड फुटिंग कहलाएगा। दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर टू और मोर कॉलम, वो दो या दो से ज़्यादा कॉलम के लिए कंस्ट्रक्ट की जाती है, एंड दे आर रेक्टेंगुलर ट्रेपेजॉइडल इन शेप, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और ट्रेपेजॉइडल भी हो सकती है। इट इज़ डिज़ाइन इन अ प्लेस वेयर द प्लेस इज स्पेस इज लिमिटेड, ये ऐसी जगह डिज़ाइन होती है जहाँ हमारे पास स्पेस लिमिटेड हो, ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास। वेयर ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस वी कैन नॉट कास्ट इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल कॉलम जहाँ नहीं कास्ट कर सकते वहाँ यूज़ होती है इंडिविजुअल फुटिंग, हम इंडिविजुअल फुटिंग यूज कास्ट नहीं कर सकते वहाँ, मतलब एक ही फुटिंग में दो तीन कॉलम रहते हैं इसमें। देयर फॉर फुटिंग्स आर कम्बाइंड इन टू और वन फुटिंग, इसलिए इनने कहा है कि ये कॉलम यानी जो फुटिंग है वो एक साथ जुड़ जाती है, ये देखिए कम्बाइंड हो गई, पूरी कम्बाइंड हो गई, इसलिए इनको कम्बाइंड फुटिंग कहा जा रहा है। ये देखिए पर्सपेक्टिव भी हो गया, प्रोस्पेक्टिव भी, ये कम्बाइंड फुटिंग, ये एक ही फुटिंग में तीन कॉलम आ गए हैं, और ये PCC बेड है। ये देखिए सेक्शन, ये साइड व्यू देखो, PCC बेड पहले आया, फिर कंबाइंड फुटिंग का आया, और फिर इसमें कॉलम आए लगातार तीन, नेक कॉलम है ये ग्राउंड लेवल है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, स्ट्रैप और नेवर और शू फुटिंग, इसको स्ट्रैप या नेवर या शू फुटिंग बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्योंकि कोने में आती है ये। शू फुटिंग इज़ द हाफ फुटिंग, हाफ फुटिंग होती है ये, फुल फुटिंग नहीं होती है।
कट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल फुटिंग एंड विच हैज़ शेप ऑफ शू। इसका शेप जब बनता है वो हल्का सा शू जैसा होता है, इसलिए इसको शू फुटिंग कह रहे हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द कॉर्नर ऑफ प्लॉट, एक प्लॉट के कॉर्नर में प्रोवाइड की जाती हैं, नेक्स्ट टू नेबर्स प्लॉट। मतलब नेबर्स के जैसे जो होते हैं ना घर मकान जो रहते हैं लगे लगाए रहते हैं, तो उनमें एक्सपांशन जॉइंट नहीं देते अपन, इसलिए ये हाफ फुटिंग आती हैं। वो एक्सपांशन जॉइंट जहाँ रहता है तो वहाँ तो फुल फुटिंग दे देते हैं। वेयर देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ सेटबैक एरिया, सेटबैक एरिया की जगह हो ही ना हमारे पास, तो फिर हमको शू फुटिंग देना पड़ता है। जैसे ये नेबर्स का प्लॉट हो गया और ये हमारा प्लॉट हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट ऑन ओपन प्लॉट, ठीक है। तो एक हाफ फुटिंग उसकी उसकी बनेगी जब उसका प्लॉट मतलब उसका लेआउट होगा, और जब हमारा लेआउट हो रहा तो हमारी भी हाफ आएगी, यहाँ फुल नहीं आ पाएगी। ये हाफ फुटिंग हो गई और ये फुल फुटिंग हो गई, देखिए ये फुल फुटिंग है, ये प्लेन फुटिंग है और ये शू फुटिंग है। इसलिए ये शू फुटिंग बता रहा है कि हाफ है यहाँ, और ये प्लेन फुटिंग बता रहा है क्योंकि फुल है लेंथ वाइज विथ वाइज। अब देखिए ये प्लान और टॉप व्यू, अब टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और जब अपन प्रोस्पेक्टिव व्यू देखते हैं इसका तो ये ऐसा दिखता है, ये हाफ दिख रही, देखो इसको ये पूरी फुल नहीं है, ये हाफ फुटिंग है। इसलिए ये नेक कॉलम आ गया, ये देखिए ये ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग क्यों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि ब्लाइंडिंग होता है। पीसीसी को ही हम ब्लाइंडिंग कहते हैं, जो कि 4 इंच का बेस होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। ये फिर उसके ऊपर फुटिंग आया, फिर नेक कॉलम आया, ये टॉप व्यू हो गया इसका और ये प्रोस्पेक्टिव व्यू। हम नेक्स्ट फुटिंग में चलते हैं, ये देखिए नोट नोट करके आ रहा है एक कि ऑल द शू फुटिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सॉइल वेयर द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज नॉर्मल। जितनी भी शू फुटिंग है वो कंस्ट्रक्ट होना चाहिए सॉइल पे जहाँ सॉइल बियरिंग कैपेसिटी नॉर्मल हो, मतलब 24 किलोमीटर क्यूब होना चाहिए। अब क्या है राफ फुटिंग, क्या होता है राफ फुटिंग, इट इज़ वन फुटिंग इन होल प्लॉट एंड इट इज़ प्रोवाइडेड इन अ प्लेस लाइक सी शोर एरिया। ये एक ही फुटिंग होती है पूरे होल प्लॉट में, जैसे जो सी से जो समुद्र के किनारे लगे हुए एरिया रहते हैं उनमें राफ फुटिंग ज़्यादा यूज़ होती है। कोस्टल एरिया और बीच एरिया वेयर द वाटर टेबल इज़, जो वाटर टेबल होता है हमारा वेरी हाई, बहुत हाई होता है, एंड द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज़ वीक। जब सॉइल बियरिंग कैपेसिटी वीक हो तो हम राफ्ट फुटिंग यूज़ करते हैं। सच एज 5 स्टार एग्जाम्पल दिया है, देखो राफ्ट फुटिंग कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, जैसे 5 स्टार होटल्स या हाई राइज बिल्डिंग्स नियर द बीचेस, जो बीच के नियर जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें राफ्ट फुटिंग यूज़ होता है जनरली। वैन नंबर ऑफ कॉलम इन मोर देन वन रो, जब एक रो में बहुत वन कॉलम से ज़्यादा हो तो वहाँ राफ्ट फुटिंग यूज़ होती है। देखो एग्जाम्पल ये दिख रहा है, एक ही रो में वन से ज़्यादा कॉलम है। प्रोवाइडेड विथ अ कम्बाइंड फुटिंग द फुटिंग इज कॉल्ड मैट और राफ्ट फुटिंग, ठीक है। कम्बाइंड फुटिंग ही बनती है लेकिन ये एक ही उसमें पूरा इकट्ठा इनका एक्सकेवेशन होता है, मतलब इसकी जो खुदाई होती है पूरी एक ही बार होती है और उसमें अलग अलग कॉलम बन जाते हैं। ये देखिए राफ्ट फुटिंग बनी, पीसीसी बेड बना, फिर राफ्ट फुटिंग बनी और उसके ऊपर ये कॉलम बना दिए गए। नहीं तो अपन अलग दूसरे उसमें क्या देख रहे थे कि हमको सेपरेट फुटिंग बनाना पड़ रहा था हर कॉलम के लिए, इसमें एक ही बार फुटिंग बनाए हमने, एक्सकेवेशन करे, पूरा पीसीसी बेड इकट्ठा लेड कर दिए और उसके बाद कॉलम दे दिए हमने उसके ऊपर। अब ये राफ्ट फुटिंग ये दिख रहा है, फ्लोर कॉलम आ गया, जो ग्राउंड लेवल के कॉलम ऊपर होता है वो फ्लोर कॉलम होता है। अब ये देखिए पीसीसी बेड आ गया, फिर राफ्ट फुटिंग और ये कॉलम आ गए, 3 कॉलम्स यूज हुए हैं इसलिए 3 दिखाया है यहाँ। शोरिंग ऑन साइट ड्राई क्विक सेटिंग सीमेंट, ये क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ हुआ है इसका पीसीसी बेड में, जब ये एक्सकेवेट होगा तो ऐसा दिखेगा, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे इतनी डेप्थ दिखेगी हमको, ये डेप्थ दिख रही है। वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, अब ये ख़त्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग राफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।